आज मैं आपके साथ रोल समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूं। नॉर्मल समोसे को जितना टाइम लगता है उससे आधे टाइम में हम एक साथ बहुत सारे समोसे बना सकते हैं। इससे टाइम की बचत होती है और टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसे ही क्रिस्पी होता है। तो चलिए बनाते हैं रोल समोसा। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदा का लिया है, 4 हमने आलू लिए हैं उबले हुए, कुछ यहाँ पर मैंने हरा धनिया चॉप करके रखा है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, 3 बड़े चम्मच यहाँ हमने ऑयल के लिए हैं, यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच लिया है अजवाइन का, 1 चम्मच यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर है, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला का लिया है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा है, यहाँ पर 1 चम्मच हमने लिए हैं तिल के, वाइट तिल, 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, कुछ हमने मटर के दाने लिए हैं 1/4 कप, नमक हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे और ऑयल हमें यूज़ होगा फ्राई करने के लिए। तो चलिए आज की हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समोसा रोल का आउटर कवर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, सारा मैदा जो है हम इसमें डाल देंगे। हमने मैदे को पहले ही अच्छे से छान लिया है। इसमें हम डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही में हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथों में इस तरह से मसल के डालेंगे, इससे उसका फ्लेवर जो है अजवाइन का बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने अजवाइन डाल दी, चिली फ्लेक्स तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, साथ ही में जो ऑयल हमने मेजर करके रखा है वो हम डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल जो है पूरी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो ऑयल जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है इस तरह से, ये देखिए हम इसे बना रहे हैं तो ये पूरा इस तरह से जुड़ा हुआ रह रहा है। समोसे के जो हम आटा बना रहे हैं इसमें ऑयल का प्रोपोर्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, तभी हमारे समोसे जो है वो अच्छे क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। तो अब इसे हम गूंद लेंगे, तो हम पानी के साथ इसे गूंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हमने सख्त आटा बनाना, अच्छे से हम इसे मसलते हुए गूंद लेंगे। तो यहाँ हमने आटे को गूंद लिया है, सख्त ही रखा है, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है। तो इसे अब हम रेस्ट के लिए रखेंगे, 1/2 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे, तब हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। तो हम अपने रोल समोसे की स्टफिंग बनाते हैं। कढ़ाई में हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, ऑयल गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देते हैं जीरा, साथ ही में हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और इसमें हम डाल देंगे मटर जो हमने लिए हैं। मटर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि हमने मटर जो है उन्हें पकाना है, तो हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डालते हैं और इसे 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से ढक के रख देते हैं ताकि मटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसे ढक देती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम कवर उतार के देख लेते हैं मटर जो हैं हमारे पके हैं कि नहीं। तो चेक कर लेंगे, मटर हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आलू जो हमने उबाल के रखे हैं ना उन्हें हम इसी तरह से हाथों से मैश करके डाल देंगे। तो सारे आलू मैं इसी तरह से इसमें मैश करके डाल देती हूँ। सारे आलू हमने डाल दिए हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले सारे, लाल मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा का भुना हुआ पाउडर, साथ ही में इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। आप चाहो तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो। साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और हमने पूरा जो आलूओं में मॉइस्चर है उसे पूरी तरह से ड्राई कर लेना है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है और अब इसे हम स्लो गैस पे 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। सारा आलूओं का मॉइस्चर जो है पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और स्टफिंग को हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम अपना जो आटा हमने गून के रखा है उसे चेक कर लेते हैं। 20-25 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम आटे को एक बार चेक कर लेते हैं। आटे को हमने एक बार फिर से अच्छे से मसल लेना है, 1-2 मिनट के लिए इसे मसल लेंगे। आटे को अच्छे से मसल लिया है तो अब हम क्या करते हैं, इसे बोर्ड पे ले लेते हैं और आटे के हम 3 हिस्से कर लेंगे।
तो मैं इसे इस तरह से तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। तो हम एक पेड़े को ले लेते हैं पहले, इसको अच्छे से हम हाथों में भी मसलते हुए, ये जो आटा है ना इसे आप जितना मसलोगे उतना समोसा जो है हमारा अच्छा बनेगा। तो अच्छे से हम इसे मसलते हुए एक पेड़ा बना लेते हैं और अब इसे हम बेल लेंगे। रेक्टेंगुलर शेप में ही बेलेंगे हम इसे, रोटी से हम इसे थोड़ा सा पतला ही रखने वाले हैं। तो इसे हमने बेल लिया है और इसकी थिकनेस देखिए रोटी से थोड़ी सी पतली रखी है मैंने। तो अब क्या करूँगी, मैं एक पिज़्ज़ा कटर ले लूँगी और साइड्स के जो इसके एंड्स हैं ना इस तरह से हम कट कर लेंगे। यहाँ से भी हम थोड़ा सा कट कर देते हैं। तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल मिड में हम एक मार्किंग कर देंगे इस तरह से। हल्की सी मैं एक मार्किंग कर देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये बीच का सेंटर पोर्शन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मैं ऐसे कर लेती हूँ और हमने इसके स्ट्रिप्स काटनी है इस तरह से पिज़्ज़ा कटर के साथ। आप जितनी पतली चाहो मोटी चाहो स्ट्रिप्स, जहाँ पर हमने मार्किंग की है बस वहाँ तक हम ले जाएंगे अपने कटर को। तो इस तरह से मैं सारी स्ट्रिप्स इसकी कट कर लेती हूँ। तो ये हमने कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कट की है ना स्ट्रिप्स, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक ब्रश से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरह से। पानी लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो तिल हमने लिए हैं ये स्प्रिंकल कर देते हैं, थोड़ा सा इसे टैप कर देते हैं ताकि ये स्टिक हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसे उठा लेंगे और उठा के हम इसे उल्टा कर देंगे इस तरह से। और इस पोर्शन पे अब हम जो हमने स्टफिंग बनाई है उसका मैंने इस तरह से ये देखिए रोल बना लिया है, पतला सा एक मैंने रोल बना लिया है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो लगा देती हूँ। और बस हमने क्या करना है, इसे इस तरह से रोल करते हुए आगे ले जाना है। ये देखिए अच्छे से फिक्स करते हुए आगे जाएंगे। और बस हमारा समोसा रोल यहाँ पर तैयार हो गया। अब आप चाहो तो इसके चार पीसेस करो, तीन पीसेस करो, दो पीसेस करो, जिस साइज़ के आपको समोसा चाहिए उस हिसाब से आप इसे कट करके इसके समोसे बना सकते हो। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं हम पोर्शंस में। इक्वली मैं इसे तीन पोर्शन में डिवाइड करूँगी। तो मैं पहले वाला यहाँ से कट कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से मैं इसके दो पोर्शन कर देती हूँ। तो ये हमारे तीन रोल समोसा यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से बाकी जो आटा है हमारा उसमें से मैं बाकी के भी रोल समोसा तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमने रोल बना लिए हैं और अब इसे हम एक घंटे के लिए इसी तरह से रख देंगे ताकि आटे में भी कुछ अगर मॉइस्चर है तो वो भी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इसे हम कवर भी नहीं करेंगे, बस इसी तरह से छोड़ देंगे एक घंटे के लिए। एक घंटा हो चुका है, हमने अपने रोल समोसे को इसी तरह से रख दिया था, हमने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो चुका है तो चलिए हम डाल देते हैं समोसे अपने फ्राई करने के लिए। हमने यहाँ पर गैस को जो है ऑयल को थोड़ा गरम करके हमने उसे स्लो कर दिया था। बिल्कुल फास्ट गैस पे आपने इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से वो जल्दी से लाल हो जाएंगे और अंदर से उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलिए इसमें अब हम समोसे डाल देते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने आपको एक घंटे के लिए इन्हें रखने के लिए क्यों बोला था, बट आप इस तरह से एक बार चेंज करके देखिए, आपके भी समोसे जो हैं बिल्कुल मार्केट के जैसे क्रिस्पी बनेंगे। तो बस इसे हम डालने के बाद बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए ये अच्छे से नीचे से पक जाएं, फिर इन्हें हम टर्न करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं इन्हें कढ़ाई में डाले हुए, हम एक बार टर्न कर लेंगे। हल्के से टर्न कीजिए इस तरह से। गैस की फ्लेम को हम बीच में से थोड़ा सा हाई करेंगे, फिर स्लो कर देंगे। इसी तरह से हम इन्हें फ्राई करेंगे। रोल समोसे हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं तो चलिए इन्हें निकाल देते हैं हम। पूरी तरह से हम ऑयल जो है ड्रेन कर लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। और बाकी के जो मेरे हैं समोसे उन्हें भी मैं इसी तरह से फ्राई कर देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा समोसा।
दोस्तों यहाँ पर हमारे रोल समोसे बनके बिल्कुल तैयार हैं। मैंने इन्हें प्लेट में सर्व कर दिया है, साथ ही में मैंने अमचूर की चटनी सर्व की है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे कुछ दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप इसे ज़रूर चेक करना। तो फ्रेंड्स देखिए ये समोसे देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए पास में से कितने सुंदर दिख रहे हैं ये, जितने ये दिखने में अच्छे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़ के बताती हूँ अंदर से ये कैसे दिखते हैं। तो इसे गरम गरम सर्व कीजिए चटनी के साथ। और आप और कौन से स्टाइल के समोसे बनाना जानते हो मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपके पास कोई और तरीका है तो मुझे ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरे अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। फिर जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।